एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिनों में अब रोड शो के माध्यम से जनता के बीच पहुंचकर प्रत्याशी अपने लिए वोट मांगने में लगे हुए हैं। ऐसे में दमोह संसदीय क्षेत्र के तेंदुखेड़ा में मध्यप्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने रोड शो किया, लोगों से वोट मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। नेता ऐसे बैठे हुए थे जिनको पांचों नेता ने अपने अपने क्षेत्र की जनता ने 50,000 वोटों से नकार दिया। और वो एक सवाल पूछ के गया था कि तेंदुखेड़ा के और जवेरा विधानसभा के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि लोधी समाज में करवर सिंह लोधी चाहिए कि राहुल सिंह चाहिए, तो मैं उनको कहना चाहता हूं जीतू पटवारी को कि करवर सिंह लोधी बंडा विधानसभा से आते हैं और इस 8 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा लोधी समाज बंडा विधानसभा में है और बंडा विधानसभा के लोधी समाज ने तरवर सिंह लोधी को 37,000 वोटों से हरा के स्पष्ट संदेश दिया है कि संसदीय सीट की समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वीरेंद्र लोधी भी वीरेंद्र लंबरदार जो बंडा से जीते हैं वो लोधी हैं और 35,000 वोटों से जीत के आए हैं। तो स्पष्ट संदेश है जीतू पटवारी कि इस लोकसभा क्षेत्र का लोधी समाज केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 नेता ऐसे बैठे हुए थे, जीतू पटवारी, तरवर सिंह लोधी, विवेक तनखा और एक वो नेता अरुण यादव जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री का अपशब्दों के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं आपको इन चारों का बायोडेटा बताता हूँ। ये जीतू पटवारी 40,000 वोटों से अभी अपने क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हार के उनके क्षेत्र की जनता ने उनको नकार दिया और यहाँ आपके उपदेश दे रहे थे। ये तरवर सिंह लोधी 35,000 वोटों से हारे थे और विवेक तनखा जी हमारे बाजू के लोकसभा सीट से आदरणीय राकेश सिंह से 2 बार 3-3 लाख वोटों से लोकसभा चुनाव हार के यहाँ बैठे थे। और वो अरुण यादव जी जो हमारे प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहे थे, एक के पहले वाले चुनाव में 40,000 वोट से और इस 18 के चुनाव में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के सामने चुनाव लड़े थे जहां से वो अपनी जमानत जब्त करा के गए थे। तो ऐसे नेता आपके तेंदुखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं जो अपने खुद के क्षेत्र में जनता द्वारा नकारे गए हैं, जहां जनता ने कह दिया है कि न कांग्रेस चाहिए न कांग्रेस के नेता चाहिए। तो मैं तो उन चारों नेताओं से कहता हूं, उन हारे हुए जनता से नकारे हुए नेताओं से कहना चाहता हूं कि तुम पहले अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र जाओ, वहां के जनता का आशीर्वाद लेके आओ, चुनाव जीतो और उसके बाद दूसरों पे आरोप लगाना सीखो, क्योंकि दमोह संसदीय सीट की जनता ने यह तय कर लिया है कि आने वाली 26 तारीख को 3 नंबर का बटन दबा के इस क्षेत्र से ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को भेज के दिल्ली भेजेंगे। साथियों, मैं तो ये कहने आया हूँ कि किसी की बातों में नहीं लगना, ये मोदी है, एक 56 इंच का सीना रखने वाला मोदी है जिसकी गरज से पूरे विश्व में चीजें रुक जाती है, थम जाती है। और मोदी वो नेता है जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी है कि जहां का मोदी जी भूमि पूजन करते हैं उस जगह का उद्घाटन भी
मोदी जी करते हैं। तो मैं तो कहने आया हूँ कि मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में निरंतर विकास सतत प्रयास के साथ काम किया है, और कांग्रेस के लोगों से भी मैं ये कहने आया हूँ कि 20 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का विकास का रथ चला और 10 वर्ष केंद्र में मोदी